हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सन एंड शाइन रिएक्शन। जी तो आ गए हैं जी, हम पार्ट 9 के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो गई है जी, क्योंकि अब जो है ना बहुत मजे की मूवी होने जा रही है। तो चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर जो है पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो चले जी, लेट्स गो। देव देव, कितनी देर लगा दी? प्रिया कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं देव, प्रिया कहाँ है? वो नहीं आई। नहीं आई? प्रिया, प्रिया तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं देव, मेरा इंतजार कर रहा है, राज मुझे जाना है। तुम लेटी रहो प्लीज। नहीं राज, देव मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो, राज मुझे जाना है। इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते राज? मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, देव मेरा इंतजार कर रहा है। प्रिया मेरी बात मानो प्लीज। समझते क्यों नहीं, मुझे जाने दो। नहीं पता चलेगा उसे। आई प्रॉमिस यू, प्रॉमिस यू। नाउ रिलैक्स। देव के सारे सपने, सारी खुशियां, सब कुछ खत्म हो गया राज, सब कुछ खत्म हो गया। देव, दादी माँ, Oh,
देव बाबा हमको माफ कर दीजिए, हम आपका इंतजार नहीं कर सके क्योंकि आपको आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। इधर कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। देव बाबा दादी माँ की अंतिम इच्छा थी कि यह पायल प्रिया मेम साहब तक पहुंचा दी जाए। मन में नहीं, मन में है विश्वास। टीचर मन मतलब? मन मतलब अपनी अंतरात्मा जो यहाँ दिल में छुपी होती है, जिसके अंदर हम बहुत सारा प्यार छुपा के रखते हैं अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए। लेकिन आपका तो मम्मी पापा तो है ही नहीं, तो आपका मन खाली है। नहीं बेटे, कोई और भी है जिसके प्यार को मैंने मन में छुपा रखा है। वो कोई और कौन है? है एक राजकुमार, बहुत प्यारा राजकुमार। राजकुमार? सिंड्रेला की कहानी वाला राजकुमार? बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, तो अब सिंड्रेला है? नहीं तो दिन में आप खाएंगी पिएंगी और खुशी खुशी रहेंगी हमेशा के लिए। अगर भगवान ने चाहा तो। नहीं टीचर, आप हमेशा के लिए खुशी खुशी नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि राजकुमार जब आपका खोया हुआ जूता लेकर आएगा, वो आपको पहचानेगा कैसे? आपके तो पैर ही नहीं है। स्टूपिड बॉय, तुमने टीचर का दिल दुखा दिया ना। आई एम सॉरी टीचर, मैंने आपका दिल दुखा दिया। नहीं जय, तुमने ठीक कहा। मुझे मेरा राजकुमार कभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा, आपको राजकुमार जरूर मिलेगा। हम सब प्रे करेंगे। हेलो जी देव साहब, मैं जसपाल बोल रहा हूँ। ना जसपाल पट्टी नहीं, जसपाल संधु आपका एजेंट। हाँ कहो जसपाल। वो आपकी एक पेंटिंग है ना जिसका आपने नाम रखा है मन, वो एक कुड़ी उसको खरीदना चाहती है। तुम जानते हो जसपाल, वो पेंटिंग बेचने के लिए नहीं है। ओह सर जी, मैंने उसे बतेरा समझाया पर वो मानती नहीं है। वो बैठी बैठी पेंटिंग की तारीफें किए चली जा रही है। वो कहती थी ये पेंटिंग नहीं है, कुछ लम्हा है, कोई पता नहीं रिश्ता है, और पता नहीं की कहती सी। हाँ वो छवि छवि है किसी के प्यार की। कौन है ये लड़की? पता नहीं जी, कोई अपाहज लड़की है। अब मेरा ख्याल कोई खास पैसे वैसे भी नहीं है उसके पास। ऐसा करता हूँ, बड़े ऊंचे दाम बोल देता हूँ, और पेंटिंग का दाम सुन के ही भज जाएगी। नहीं, वो पेंटिंग उसे दे दो। दे दो? वो किन्ने में जी? नहीं पैसे मत लेना, ऐसे ही दे दो। मुफ्त में? हाँ, और इससे कहना कि चित्रकार ने उसका शुक्रिया अदा किया है। कोई तो है जो उस तस्वीर में छिपी भावनाओं को समझ सका। अच्छा जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके। देव, ये देख मेरे हाथ में क्या है, सुपर हिट ड्रामे की 2 टिकट। अरे ऐसा नाटक है ना, तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। चल 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 चल, फटाफट तैयार हो जा। नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा तो ले फाड़ दे टिकट। नटू। नहीं नहीं फाड़ दे फाड़ दे। अरे मैं कौन होता हूँ, मेरे लिए तू क्यों आएगा? मैं कोई तेरा दोस्त थोड़ी हूँ। अरे मैं तो तेरा सेक्रेटरी हूँ, नौकर हूँ, चमचा हूँ, चमचा। मेरी खुशी के लिए तो ड्रामा देखने थोड़ी आएगा। अरे भाड़ में गई दोस्ती, भाड़ में गई टिकट।
मैं चलूंगा तुझे खुशी होगी ढेर सारी, तो चल। ये हुई ना बात, चल फटाफट तैयार हो जा, झटाझट निकलते हैं। सूरज, मैं जानती हूँ कि मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर है कि हम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए जुदा हो जाए। किरण, या तो यह कह दो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, या फिर यह कह दो कि मुझे मौत आ जाए, क्योंकि तुमसे दूर तो एक पल के लिए भी नहीं जी सकता मैं, नहीं जी सकता। तुम समझते क्यों नहीं सूरज, तुम्हारा और मेरा मिलन अब नामुमकिन है। लेकिन क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी है किरण, मेरे प्यार में क्या कोई कमी है? नहीं। तो फिर तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो, क्यों? मुझसे ऐसी कोई बात मत पूछो जिसे बताने में मुझे और सुनने में तुम्हें तकलीफ हो। भूल जाओ कि तुमने कभी किसी को प्यार किया था, भूल जाओ कि तुमने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा था, मुझे भूल जाओ सूरज, भूल जाओ। जी पार्ट 9 भी हुआ खत्म, बहुत मजे की स्टोरी हो गया जी। अब थोड़े पार्ट एक ही शो में दोनों पहुंच गए और देखते हैं एक दूसरे को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, या नजर आते हैं कि नहीं नजर आते। तो चले जी आगे की स्टोरी भी देखते हैं, मिलते हैं पार्ट 10 में, तब तक रहना बहुत सारे ख्याल में रखें, दुआ में याद रखें जी, बाय बाय।